लुधियाना जिला अदालत ने शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी कर दिए। इस केस में संजय सिंह के खिलाफ वारंट जारी हुए हैं। अब उन्हें अदालत में खुद पेश होना होगा या फिर पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। बता दें कि संजय सिंह लंबे समय से अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। सोमवार को अकाली दल नेता महेश्वर इंद्र सिंह ग्रेवाल का क्रॉस एग्जामिनेशन होना था, लेकिन संजय सिंह के वकीलों ने इससे इनकार कर दिया। इस पर अदालत ने यह फैसला सुनाया है। संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस 2016 में विक्रम सिंह मजीठिया ने दर्ज करवाया था। इस मामले में विधायक मनप्रीत सिंह अयाली, महेश इंद्र ग्रेवाल और शरणजीत सिंह ढिल्लो गवाह हैं। अब तक केस में 71 तारीखें अदालत में पड़ चुकी हैं। इनमें संजय सिंह मात्र 4 बार ही अदालत में पेश हुए। कल भी जब उनके वकील अदालत में आए तो जज ने संजय सिंह की हाजिरी के बारे में पूछा, लेकिन संजय सिंह के नहीं होने पर जज ने आदेश जारी करते हुए सांसद को 17 सितंबर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने को कहा। दरअसल संजय सिंह ने 2017 के पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले 2016 में मोगा की रैली के दौरान शिरोमणि अकाली दल के नेताओं को नशा तस्कर बताया था। इसके बाद विक्रम सिंह मजीठिया ने अदालत में मानहानि केस दायर किया था। 2016 में ही संजय सिंह पर आरोप तय कर दिए गए थे। तो संजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है, जिसमें संजय सिंह बार बार पेश नहीं हो पा रहे हैं। अदालत ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है और कहा है कि उन्हें जल्द से जल्द पेश किया जाए। उनकी तारीख भी तय कर चुके हैं, 17 सितंबर को गिरफ्तार कर उन्हें अदालत में पेश करने को जज ने कहा है, क्योंकि 71 तारीखें अदालत में पड़ चुकी हैं। लेकिन संजय सिंह मात्र 4 बार ही अदालत में पेश हुए हैं, जिसकी वजह से कोर्ट को ये फैसला लेना पड़ा कि 17 सितंबर को उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाएगा। दरअसल संजय सिंह ने 2017 के पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले 2016 में मोगा की रैली के दौरान शिरोमणि अकाली दल के नेताओं को नशा तस्कर बताया था। इसके बाद विक्रम सिंह मजीठिया ने अदालत में मानहानि केस दायर किया था। 2016 में ही संजय सिंह पर आरोप तय कर दिए गए थे, लेकिन उनके बार बार पेश ना होने की वजह से ये तारीखें डिले होती गई और अब कोर्ट को ये फैसला लेना पड़ा कि 17 सितंबर को उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाएगा।